अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉक बॉक। आज की हमारी रेसिपी है दम का कीमा। दम का कीमा बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, नमक हसबे ज़ायका, मैंने 1 टीस्पून ही लिया है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 कप दही, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 किलो मटन का कीमा या बीफ का कीमा आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 4 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 टेबल स्पून। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने ली है अनियन रिंग्स और कुछ हरी मिर्चें हैं, आप चाहें तो इसमें अदरक के पतले स्लाइसेस काट कर भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हमें अनियन को थिन स्लाइस में अच्छी तरह से कट कर लेना है। अब हम पैन में 3 टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे और अनियन को फ्राई करेंगे। अनियन को हमें उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन तक रखना है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमें इसको साइड पे कर देना है ठंडा होने के लिए। अब हमें कीमा लेना है। कीमे में हम दही शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और जो सारे मसाले थे, लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जो हमने तेल और प्याज फ्राई करके फ्राई करके रखे हुए थे वो अब ठंडे हो गए हैं, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। गरम गरम इसमें नहीं डालना, इसको पहले थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ले आना है प्याज फ्राई करने के बाद, और फिर इसमें शामिल करना है। सारी चीज़ें जो भी इंग्रेडिएंट्स थे दम के कीमे के, वो अब हम सब ऐड कर चुके हैं और अब ये एक ही पॉट में डायरेक्ट बन जाएगा। ये बहुत सिंपल सी डिश है और ये बहुत मज़े की होती है, इसमें कोई डब्बा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ये वैसे ही बिल्कुल परफेक्ट बनता है। 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। 2 घंटे के बाद तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने पॉट में तेल डाला है। अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा जो कि 2 घंटे से बाहर रखा है वो इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। इसके बाद हमें इसकी आंच को स्लो रखना है, इसको हमें स्लो करके कुक करना है और लिड को कवर कर देना है और वफ़े वफ़े से चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें जो कीमा है उसमें गुठलियाँ ना बने। इसमें हमें कोई पानी ऐड नहीं करना बाहर से, ये खुद ही पानी छोड़ेगा कीमा और उसी पानी में पकेगा। बस हमें आंच स्लो रखनी है और ढकना है और वफ़े वफ़े से इसको इस तरह चलाते रहना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं जब ढक के दोबारा खोला फिर इसमें पानी सेपरेट हो गया। तो ये जब तक पानी पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता तब तक इसको हमें पकाना है, पानी हमें ऐड नहीं करना। अब आप देख रहे हैं वीडियो में कि पानी जो है वो पूरी तरह से खुश्क हो गया है और मैंने जब इसकी लिड हटाई तो कोई पानी नहीं निकला हुआ था, इसका मतलब है अब इसमें जितना पानी था वो ड्राई हो चुका है। अब हम कोयला गरम करेंगे और इसको स्मोक देने की तैयारी करेंगे, कोयले का धुआं देने की तैयारी करेंगे।
कोयले का धुआं देने के लिए मैंने अल्मोनियम फॉइल लिया है और उसमें कुछ मेरे पास छोटे पीस थे तो मैंने 4 ले लिए। अगर आपके पास एक बड़ा पीस है तो आप वो भी ले सकते हैं। उस पर मैंने 1 टीस्पून तेल डाला है तो इससे अच्छी तरह से धुआं बन गया और उसको कवर किया। धुआं देने के बाद इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाएगा और ये बहुत ही अच्छा बनता है और इसमें आपको कोई डब्बे का मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप गार्निश करें लीमू, प्याज, हरी मिर्चों और अदरक के साथ अपनी मर्ज़ी की गार्निशिंग से। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं और इसको आप इंजॉय करें नान के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।